दोस्तों अगर आपका एक YouTube चैनल है तो ये वीडियो आपके काफी काम की हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ YouTube का ऐसा अपडेट जो कि आपके चैनल या फिर आपके वीडियो या फिर आपके वीडियो के साउंड के लिए काफी महत्वपूर्ण है और जिसे कि आप अपने प्राइवेसी के हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या है वो अपडेट और कैसे यूज करना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले क्या होता था, तो दोस्तों आप कोई भी वीडियो देखते थे तो उस वीडियो के नीचे आपको यहाँ एक क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता था और दोस्तों इस क्रिएट का मतलब ये होता था कि दोस्तों आप जो है उस वीडियो के ऑडियो को सैंपल में लेकर आप उस पर अपना शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। जब आप यहाँ क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको उस वीडियो के ऑडियो का जो भी पार्ट पसंद होगा तो उस पर आप अपना शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आप भी अपने चैनल पर कोई वीडियो डालते हैं तो दोस्तों कोई भी दूसरा क्रिएटर जो है आपके वीडियो के ऑडियो को सैंपल लेकर अपना शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकता था। लेकिन दोस्तों अब अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे वीडियो के ऑडियो को सैंपल में लेकर कोई भी अपना शॉर्ट वीडियो ना बना पाए तो दोस्तों YouTube ने वो सेटिंग आपके लिए फिलहाल अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दी है और दोस्तों वही है YouTube का नया अपडेट। तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे वीडियो के ऑडियो से कोई भी जो है शॉर्ट वीडियो ना बना पाए तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए जो है आपको अपने YouTube चैनल को जो है डेस्कटॉप साइट में आपको अपने चैनल को ओपन कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स कोने में आपको अपने प्रोफाइल आइकॉन पर क्लिक कर देना है, योर चैनल पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यह कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से चैनल ओपन हो जाएगा। स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लेना है, यहाँ वीडियो वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपने चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड कर रखे होंगे वो सारे वीडियो यहाँ पर आ जाएंगे। अब दोस्तों अगर आप जिस भी वीडियो का चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो के ऑडियो को लेकर कोई भी अपना शॉर्ट वीडियो ना बना पाए तो आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको और भी वीडियो सिलेक्ट करना है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कर देने के बाद आपको यहाँ एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और एडिट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्ट्स सैंपलिंग का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा अलाउ सैंपलिंग का, तो आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके उस वीडियो के ऑडियो को लेकर कोई भी शॉर्ट वीडियो ना बना पाए तो आपको यहाँ डोंट अलाउ सैंपलिंग को सिलेक्ट कर देना है। तो उसके बाद आपके उस वीडियो के ऑडियो को लेकर कोई भी अपना शॉर्ट वीडियो नहीं बना पाएगा। और दोस्तों अगर किसी ने आपके उस वीडियो के ऑडियो पर जो है अपना शॉर्ट वीडियो बना रखा होगा तो दोस्तों उसके शॉर्ट वीडियो का साउंड जो है म्यूट हो जाएगा और दोस्तों 30 दिनों के बाद जो है उसका वो शॉर्ट वीडियो भी डिलीट हो जाएगा। तो यही है YouTube का नया अपडेट जिसे कि आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।